प्रणव मॅटर्निटी सर्जिकल हॉस्पिटल व्याप्ताना येणारं अस्तित्व आणि मापताना येणारं प्रेम म्हणजे मातृत्व. मातृत्वाचं असंच बंध जपणारं आणि वेदनाविरहित प्रसूती क्रियासाठी ओळखले जाणारे पंढरपूर शहरातील नामांकित असे प्रणव मॅटर्निटी सर्जिकल हॉस्पिटल डॉक्टर गिरनार गवळी, स्त्रीरोग आणि प्रसूतशास्त्र तज्ज्ञ डॉक्टर शोभा गवळी यांच्या संकल्पनेतून साकारण्यात आलेल्या प्रणव मॅटर्निटी सर्जिकल हॉस्पिटलमध्ये 24 तास डिलिव्हरी काय नेमकं प्रकार घडलाय आणि तुम्ही एमआयएमच्या वतीने कशाबद्दल निवेदन दिलं आहे तुम्ही पोलिसांना? अस्सलाम वालेकुम. आज भारत देश में ईद उल अज़हा के लिए सब मुसलमानों की सबसे बड़ी ईद है, जिसमें आज सोलापुर में जो होडगी रोड पे आलमगीर ईदगाह है, जहाँ पे लाखों की संख्या में मुस्लिम भाई हमारे ईद के लिए वहाँ जमा होते हैं और अपने बच्चों को भी लेके जाते हैं, तो वहाँ पे एक फुगे वाला जो आई लव पाकिस्तान नाम के हरा कलर का फुगा बेच रहा था, तो ये हम जब देखे तो ये देखने के बाद हमने पुलिस को बताया कि ऐसा ऐसा ये है. तो ये जो एक्चुअल ये फुगा बेचना इम्पोर्टेंट नहीं, उसके पीछे जो बड़ी साजिश है फुगे को छापने से लेके फुगे की मैन्युफैक्चरिंग होना, तो इसके लिए हम खास बीजापुर नगर पुलिस स्टेशन में आए हैं. जो अजय नाम का व्यक्ति है जिसने ये फुगा बेचा, फिर इसके अलावा जो जो मैन्युफैक्चरिंग में है, जो बड़े पैमाने पर होलसेल किया है, कितने फुगे ऐसे छापे गए हैं, और आइन ईद के वक्त ये माहौल ख़राब करने के लिए जो फुगे बांट रहे हैं, तो ये फुगों का जो मेन कारण है और जो मेन जड़ है और जो आज देश में तनाव का माहौल बन रहा है. आज सोलापुर हमारा बहुत शांति से है, तो इस अशांत करने के लिए सोलापुर को एक दंगे में बदलाव करने के लिए जो आज ये फुगे की साजिश की है, तो आज वक्त रहते हुए हमारे पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छा कदम उठा के उसको अरेस्ट किया, उसके नाम पे अजय नाम के व्यक्ति पे गुनाह दाखिल किया है. तो हम भी यहाँ पे निवेदन देने के लिए आए थे कि उसके ऊपर NSA का गुनाह दाखिल हो, और इसके साथ साथ जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जो होलसेल कर रहा है, इनकी जितनी भी ये जो संकल है, ये पूरे लोगों के ऊपर एक बड़ा NSA गुनाह दाखिल हो के ये पूरा जो साजिश है इसका पर्दाफाश हो, और ये सोशल मीडिया हो या फिर बाकी के इसको इसकी हकीकत बताए, ताकि लोगों को समझ सके कि आज हुआ नहीं, लेकिन अगर कोई मुस्लिम बच्चा अपने हाथ में आई लव पाकिस्तान का फुगा लेके फिरता और वो सोशल मीडिया पर फैलता, तो ये आज बहुत बड़ा तनाव फैल सकता था, लेकिन वक्त रहते जागरूकता की वजह से आज ये बहुत बड़ा अनर्थ टल गया है. तो मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि इनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई करें, और ऐसी साजिशें जो कर रहे हैं तो इसके ऊपर लगाम लगाए और उनको ऐसा सबक सिखाए कि वो ऐसा इंडिया को या हिंदू मुस्लिम में जो टेढ़ निर्माण करने की सोच रहे हैं, तो वो उनको सोच भी ना आए ऐसी गंदी. ये ऐसा सबक मैं पुलिस प्रशासन से विनंती करता हूँ कि वो उन लोगों को समझाए, उनके ऊपर NSA गुनाह दाखिल करें. नहीं जी उनको जो पकड़ हाँ, हम जब ईदगाह में नमाज पढ़ रहे थे तो हमारे बच्चों को फुगा लेने के लिए गए, तो हम देखे कि वहाँ पे आई लव पाकिस्तान का फुगा दिख रहा था, तो उसको जैसे वो मैं देखा उसको पकड़ के उसको मारने वाले थे, लेकिन हमने क्या किया, पुलिस को बुला के वहाँ पे शिरके साहब थे उनको बुला के उनके ताबे में दिया कि ये ऐसा ऐसा व्यक्ति यहाँ पे माहौल ख़राब करने के लिए ये चीज़ कर रहा है, लेकिन एक्चुअल वो अजय के साथ साथ ये जो प्रोपोगंडा है ये पूरे शहर और देश में फैला है. तो अब ये ऐसे आई लव पाकिस्तान के फुगे कहाँ तक फैले हैं और इसके पीछे कौन सी संगठनाएं का साथ है और कौन सी संगठनाएं इसकी साजिशें कर रहे हैं, इसके लिए पुलिस प्रशासन से हमने निवेदन दिया है कि सकल चौकसी हो, यहाँ तक कि CBI चौकसी हो के इसका पर्दाफाश होना चाहिए और जनता को इसकी हकीकत मालूम होनी चाहिए. डिलिव्हरीची सोय, गर्भपिशवीच्या आजारावर संपूर्ण उपचार आणि शस्त्रक्रिया, टाका व बिन टाका कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया, वैद्यकीय गर्भपाताची सोय, गरोदरपणातील सर्व तपासण्या आणि उपचार, महिलांच्या सर्व आरोग्य समस्यांवर उपचार, जनरल शस्त्रक्रियांची सोय आणि 24 तास अत्यावश्यक सेवा, तसेच प्रत्येक महिलांच्या आजारांवर नर्सेस मार्फत विशेष लक्ष, फक्त आणि फक्त प्रणव मॅटर्निटी सर्जिकल हॉस्पिटल मध्येच. आमचा पत्ता KBP कॉलेज चौक, जुना अकलूज, बायपास रोड, पंढरपूर. संपर्क 99 65 93 55 66.